हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक स्टैंड के बारे में कि कोल्ड ड्रिंक स्टैंड फ्री में कैसे लें अगर अभी तक आपको भी कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड नहीं मिला है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे दुकानदार को देखा है 2024 में कि 100 में 70% दुकानदार ऐसे हैं जिनको अभी तक कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड नहीं मिला है। तो वीडियो बन रहिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगा कि कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड फ्री में कैसे लें और कहाँ से लें और आपको कहाँ मिलेगा, क्या प्रोसेस होंगे। आप ऐसी गलती ना करें वरना आपको भी ये स्टैंड नहीं मिलने वाला है और आप फ्री में कैसे स्टैंड ले पाएंगे जो आप कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड फ्री में ले पाएँ। तो दोस्तों, आपको कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड फ्री में कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको बल्ब में माल लेना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटर से आपको ये नीड करनी होगी कि भाई हमें कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड चाहिए, है ना। जैसे कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर वाले ऐसे होते हैं ना कि कहना पड़ता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वाले ऐसे भी होते हैं ना कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप कोल्ड ड्रिंक 20,000 के लें, 25,000 के लें, 1,00,000 का लें, 50,000 का लें, 10,000 का लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप बल्ब में माल लेते हैं यानी कि अगर आप पेटी पेटी करके लेंगे ना तो आपको कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड कभी नहीं मिलेगा भाई। सबसे पहली बात, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना होगा और आपसे उनसे बात करनी होगी कि भाई हमें कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड चाहिए, हमारे पास स्टैंड नहीं है। क्योंकि देखिए, 70% दुकानदार को कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड क्यों नहीं मिला है अब तक, क्योंकि देखिए 2024 में ना बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही है स्टैंड को लेके भाई, कि भाई हमें स्टैंड नहीं मिला है अभी तक कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड। 70% दुकानदार को क्यों नहीं मिला है और क्यों नहीं मिल रहा है ये 2024 में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बल्ब में माल लेना पड़ेगा। आपके यहाँ कुछ और सिस्टम होगा, हमारे यहाँ कुछ और सिस्टम है और आगे कुछ और सिस्टम होगा, यानी कि हर एरिए का, हर ज़िले का, है ना, नेम कानून चेंज रहता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए उन दुकानदारों को जो 70% दुकानदारों को अभी तक स्टैंड नहीं मिला है इस 2024 में, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर आप 15 रुपये बिक्री चार्जिंग की अगर आप 6 पेटी लेते हैं ना, तब भी आपको एक स्टैंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्रोवाइड करता है, देता है। अब आपके यहाँ क्या प्रोसेस हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप 5 से 6 पेटी भी लेते हो ना, तब भी आपको एक स्टैंड दिया जाएगा, है ना, आपको स्टैंड मिलेगा, है ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से आपको दिया जाएगा, है ना। अगर आप 5 पेटी लेते हैं या 6 पेटी लेते हैं ना, फिर भी आपको मिलेगा। कि डिस्ट्रीब्यूटर वाला जब एजेंसी लेता है कोल्ड ड्रिंक की ना, तो इसमें क्या होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वाले ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि रूल बाय रूल होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जैसे कि 5 पेटी हो गया, 6 पेटी हो गया, है ना, या यूँ कह लीजिए 10 पेटी हो गया, है ना। आपको इस तरह से आपको माल लेना होगा, आपको कोल्ड ड्रिंक का एक स्टैंड प्रोवाइड किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं, जो एजेंसी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की ना, तो उनको जो एजेंसी वाले होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को देखते हैं कि कितना माल लेके जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में इसकी माल जा रही है, कितनी सेल कर रहे हैं, है ना। तो उसी हिसाब से जो स्टैंड होता है ना, उसी हिसाब से वो स्टैंड डिस्ट्रीब्यूटर वाले को प्रोवाइड करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाले को देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर वाले हर दुकानदार को देते हैं। जो दुकानदार कोल्ड ड्रिंक सेल ज़्यादा करते हैं, जो बल्क में माल लेते हैं, जैसे कि 6 पेटी, 10 पेटी, 15 पेटी, इस तरह से जो माल लेते हैं दुकानदार ना, उनको कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड दिया जाता है। तो अभी तक किसको कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड नहीं मिला है कमेंट करके जो बताइएगा। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।